ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી છે। ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। સુરેન્દ્રનગર મહેસાણા પાટણમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। 22 જુલાઈથી રાજ્યમાં ફરીથી વરસાદ શરૂ થશે। 23 જુલાઈથી ભારે વરસાદ શરૂ થવાની આગાહી પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। अगले 24 आवर्स में गुजरात रीजन में वाइड स्प्रेड रेन रहेगा और कहीं कहीं जगहों में भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है। मोस्टली जो अति भारी बारिश रहेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात यानी उत्तर गुजरात और सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात में भारी बारिश होने का संभावना है। और अति भारी बारिश जैसे बनासकांठा साबरकांठा पाटन महसाना में हो सकता है। इवन छोटा उदयपुर में भी अति भारी बारिश होने का संभावना है। और भारी बरसात रहेगा गांधीनगर अहमदाबाद खेड़ा पंचमहल इवन बड़ोदरा आनंद को भी भारी बारिश हो सकता है। और साउथ गुजरात में वलसाड दमन दादरा नगर हवेली में भी भारी बरसात भारी बारिश का संभावना है। 20th 21st को भारी बारिश का आगाही नहीं है। गुजरात रीजन में सौराष्ट्र कच्छ में कुछ कुछ जगहों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। और 22nd को रेनफॉल एक्टिविटी गुजरात रीजन में बढ़ने का संभावना है। हो सकता है लाइट टू मॉडरेट मेनी प्लेसेस में। और सौराष्ट्र कच्छ में स्कैटर्ड प्लेसेस में बारिश रहेगा। लेकिन 23rd 24th को भारी बारिश का संभावना है। भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश भी हो सकता है। और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी रूल्ड आउट नहीं है।